बेमेतरा जिला भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय के सामने शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान महिला मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें नेशनल हाईवे 30 में लगभग आधा घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। साथ ही आमजनों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सभी जिला मुख्यालय में और मंडल मुख्यालय में शराबबंदी की बात भूपेश सरकार ने कही थी और लोगों को छला है 2000 करोड़। घोटाला का जाम कर रही है हर जिला मुख्यालय और मंडल में। जो भूपेश बघेल की सरकार साढ़े जब सरकार में आई और चुनाव लड़ी तो उन्होंने गंगा जल कसम लेकर खाई थी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूरी छत्तीसगढ़ की बहनें खुश थी कि शराबबंदी होगा करके, और क्योंकि शराबबंदी से हर घर, चाहे एक घर के बाद हो, हर घर प्रताड़ित है, चाहे एक्सीडेंट के माध्यम से वो प्रताड़ित है, चाहे तलाक के और झगड़ा झंझट से, इसलिए वो बहुत खुश थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो।